नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि शौच के दौरान आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता तो समझ लीजिए आपको कब्ज की बीमारी है और तरल पदार्थों की कमी आपके शरीर में हो रही है। यदि कब्ज हो जाए तब कोई भी खुद को फ्रेश फील नहीं कर पाता है। एक बात ध्यान अवश्य रखिए, यदि कब्ज होने पर उसको अनदेखा किया गया तब इसके परिणाम काफी घातक होते हैं या किसी भी जटिल बीमारी का रूप ले लेता है। कब्ज के होते ही पेट में अनेकों व्याधियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए कब्ज वाले रोगी को पेट दर्द की शिकायत रहती है, सुबह शौच करने में परेशानी आती है तथा मल का शरीर से पूरी तरह न निकलना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कब्ज के लिए बहुत ही उपाय हैं, पर कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए मात्र आयुर्वेदिक उपाय ही कारगर साबित हुए हैं। आइए अब देखते हैं कब्ज को मिटाने वाले कुछ आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहले हम बताएंगे हरड़ और छाछ मिश्रण का रामबाण उपाय। 1 किलो छोटी हरड़ लेकर उसे छाछ में भिगो दें। 24 घंटे के बाद हरड़ को छाछ से निकालकर, छाछ यानी कि बटर मिल्क, छाछ से निकालकर सुखा ले और पीसकर पाउडर बना ले। शाम को सोते समय 4 ग्राम की मात्रा में घड़े यानी कि मिट्टी का मटके के पानी के साथ लें। ये कठिन से कठिन और पुराने से पुरानी कब्ज, पाचन क्रिया, शारीरिक शक्ति, पेट के सभी रोगों के लिए उत्तम औषधि है। अगर थोड़ी मेहनत और कर सकें तो हरड़ के पाउडर को अरंडी के तेल में हल्का सा भून लें तो ये दोगुना गुणकारी पाउडर तैयार हो जाएगा। जिनको ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है वो तली हुई चीजें, गरिष्ठ भोजन ना लें, यानी कि ज्यादा मसालेदार भोजन ना लें। ज्यादा फाइबर वाली चीजें प्रयोग कर आटा पिसवाते समय गेहूं में 2 से 4 किलो चने मिक्स कर पिसवाएं, पेट की समस्याओं से हमेशा बचे रहेंगे। दूसरा उपाय है केसर। आधा ग्राम केसर को घी में पीसकर खाने से 1 साल पुरानी कब्ज दूर होती है। तीसरा है त्रिफला, वो रात को लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में 3 से 5 ग्राम त्रिफला पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन करना है। ऐसा करने से पहले दिन से आपको कब्ज में आराम दिखने को मिलता है और पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पेट की समस्या या कब्ज की समस्या के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। आपका पेट सुबह पानी की तरह साफ और हल्का हो जाएगा। चलिए इसके बाद उपाय है पानी, दलिया और खिचड़ी। कब्ज का मुख्य कारण यह है कि शरीर में पानी और दूसरे प्रकार के तरल पदार्थों की कमी हो गई है। इन्हीं तरल पदार्थों की कमी के चलते आंतों में मल सूख जाता है तथा सुबह शौच क्रिया के दौरान बल प्रयोग करना पड़ता है। इसके चलते कब्ज रोगी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दलिया, खिचड़ी जैसे और तरल पदार्थों को लेने की कब्ज रोगियों को अक्सर सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक कब्ज के मरीजों को गर्म पानी सेवन पर जोर देते हैं। गुड़ के साथ गिलोय का बारीक चूर्ण मिलाकर सोते समय 2 चम्मच लीजिए और ध्यान रखिए गुड़ तथा गिलोय का चूर्ण बराबर मात्रा में मिक्स किया हो, कब्ज एकदम ठीक हो जाएगा। पका हुआ अमरूद और पपीता कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अमरूद और पपीता को किसी भी समय खाया जा सकता है। दोस्तों किशमिश को पानी में कुछ देर तक डालकर गलाइए, इसके बाद किशमिश को पानी से निकालकर खा लीजिए और पानी को पी लीजिए, इससे कब्जियत की शिकायत दूर होती है। अगर ये किशमिश पानी वाला उपाय सुबह खाली पेट किया जाए तो यह आपको कब्ज के साथ साथ बहुत सी फायदे देगा। दोस्तों अगर कब्ज की समस्या है तो तले पदार्थ, अधिक मिर्च मसाले, चावल, कठोर पदार्थ, खटाई, रबड़ी, मलाई, पेड़े आदि का सेवन ना करें। कब्ज दूर करने के लिए हल्के व्यायाम और टहलने की क्रिया भी करें। पेस्ट्रियां, केक और मिठाइयां कम मात्रा में खानी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी ज्ञानप्रद लगी हो, इसे कुछ सीखने जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।